भाजपा कांग्रेस की 10 गारंटी को लेकर सरकार पर लगातार हमलावर है और कांग्रेस पर एक भी गारंटी पूरा न करने के आरोप भाजपा बार बार लगा रही है, जिसके जवाब में बागवानी व राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी चरणबद्ध तरीके से अपनी सभी गारंटी पूरी कर रही है। एक साल के जश्न पर मुख्यमंत्री ने जनवरी महीने से लाहौल स्पीति की महिलाओं को 1500 रूपये मासिक पेंशन देने का ऐलान कर दिया है, जबकि दूध की कीमतें भी 6 रूपये बढ़ा दी गई है। आपदा की वजह से गारंटी पूरी करने में थोड़ी देरी हुई है, लेकिन सरकार 5 साल में सभी गारंटियां पूरी करेगी। जगत सिंह नेगी ने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि पूर्व में रही भाजपा सरकार ने 5 साल हिमाचल प्रदेश को कर्ज के बोझ में डुबोया और विकास कार्य पूरी तरह से ठप रहे। वहीं जगत सिंह नेगी ने केंद्र की तरफ से जारी 633 करोड़ की आपदा राहत राशि को ऊंट के मुंह में जीरा करार देते हुए कहा कि हिमाचल सरकार ने 10,000 करोड़ रूपए की राहत राशि की मांग की है, लेकिन केंद्र ने केवल 633 करोड़ की राशि जारी की, जो काफी कम है। एक साल के जश्न कार्यक्रम के दौरान भी ये मुद्दा काफी उछला था, जिसके चलते केंद्र ने ये पैसे जारी किए हैं। ऐसा है कि भाजपा जो है उनकी मानसिकता जो है परिवर्तन हुआ है, क्योंकि सत्ता से बाहर जब ये गए हैं तो जैसे पानी से बाहर मछली को निकला दे तो वो तड़प होती है, तो उस किस्म से ये बात कर रहे हैं। अगर जो हमें 12 महीने के अंदर जितना भी अगर पिछला 5 साल आपका था, डबल इंजन की आपकी सरकार थी, अगर आप खजाना लूट कर नहीं गए होते, आपने क्या किया 5 साल में, खजाना जो है उसको बुरी तरह से लूटा, 75,000 करोड़ का कर्ज छोड़ के चले गए डबल इंजन की सरकार। अगर आप अच्छा काम किया होता तो आपका रिपीट भी होना था और खजाना खाली भी नहीं होना था। और जो हम आया है हमारे लिए भी बड़ा अच्छा काम करने का, हमारे को विकास को आपके आगे बढ़ाने का मौका मिलता, परंतु आप तो खजाना खाली करके चले गए। और इस 12 महीने में सबसे बड़ी बात जो की है, अब ये गारंटी की बात भूल गए, अब ये 12 महीने में 12 बोझ की बात कर रहे हैं। पहले कहते थे गारंटियां पूरी नहीं की, अब गारंटी का इंतजार कहाँ है, इंतजार तो लोगों की खत्म होगी। 1,30,000 सरकारी कर्मचारी जो 2003 से जो है पुरानी पेंशन योजना के लिए तड़प रहे थे, जो आपकी सरकार ने, भाजपा की सरकार बंद किया था, उसको हमने पहली कैबिनेट में लागू किया। उसके बाद जो है 1,000 करोड़ का बजट रख के आज जो है कर्मचारियों के खातों में जो है पेंशन जाना शुरू हो गया, उनके घरों में खुशियां हैं। तो गारंटी कहाँ नहीं पूरी हुई। अभी महिलाओं की जो गारंटी है उसको भी हमने चरणबद्ध तरीके से पूरा किया है। पूरा लाहौल स्पीति की महिलाओं को, जनजातीय क्षेत्र के इलाकों को जो है देने की जो है अब शुरुआत हो गई है, और ये भी कहा है कि अगले साल हम इसको पूरा करेंगे। इस बार अगर आपदा ना आया होता तो हमने ये गारंटी भी पूरा करना था। दूध की जो गारंटी है उसको भी पूरा करने जा रहे हैं, 6 रुपये हमने दूध भी बढ़ा दिया है। तो सारे गारंटियां एक एक करके चरणबद्ध तरीके से पूरे हो रहे हैं। नौजवानों को जो सरकारी सेवाओं में जो इनको मौका देना था, आज आप देख रहे हैं कि हमारे शिक्षा के क्षेत्र में, हमारे दूसरे IPS है हमारा, चाहे दूसरा विभाग है, चाहे हमारा हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर, सभी विभागों में पोस्टें जो है भर्तियां करने के लिए हमने शुरुआत कर दिया है। तो ये कहूँगा देर आयत दुरुस्त आयत, ये क्योंकि कांग्रेस का 1 साल का कार्यकाल का जो कार्यक्रम था धर्मशाला में, वहाँ ये मुद्दा बड़े उससे उठा कि हमारे हिमाचल प्रदेश में आपदा जो है जून से लेके 30 सितंबर तक जो है, इस बीच में भारी तबाही मची, और केंद्र सरकार से एक बार नहीं, हमारे मुख्यमंत्री जो है लगातार 2 बार उनसे मिले कि हमें तुरंत जो है राहत राशि जारी करें, परंतु उस समय आप देखते हैं कि इस पीरियड में केवल अगस्त के महीने में 200 करोड़ का कुल इन्होंने जो है राहत राशि जारी की, और हमने 10,000 करोड़ का नुकसान का पूरा जो है जो एक मूल्यांकन करके पूरा जो है केंद्र सरकार से मांग की, तो उसके एवज में अभी केवल जो है इन्होंने घोषणा ही की है, अभी तक ये पैसा वापस आया नहीं है। इसमें से भी 200 करोड़ तो ऑलरेडी दे चुके हैं मामूली से रकम जो है अगस्त महीने में, जबकि 10,000 करोड़ का नुकसान उस समय हुआ, और अब जो अगर घोषणा की भी है तो 400 करोड़ कुल हमारे हिस्से में आ रहा है। 10,000 करोड़ का 600 करोड़ रुपए कुल देना अपने आप में जो है ये ऊंट के मुंह में जीरा है। ये 200 करोड़ भी हमने उसमें एडवांस में जोड़ा था, तो वही जो हमें हर साल मिलता है उसी में से आया था, पहले जो भी आया है कोई विशेष नहीं दिया है, जो विशेष देने की जो अब
बात कर रहे हैं ओवर एंड अबव, वो तो 600 करोड़ में समेट लिया इन लोगों ने।